गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी मंडे। एंड मैंने संडे को बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया और काफ़ी हेक्टिक संडे था मेरे लिए, बिकॉज आई डीप क्लीन दी हाउस। लाइक मैंने अलमीराज भी सेट की, कुछ अलमीराज, नॉट सॉरी। प्लस आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज ऑन माई पीरियड्स, सो या मतलब नहीं किया व्लॉग, बहुत ही बुरी हालत थी। एंड या सो टुडे इज़ अ न्यू डे, सो आई एम जस्ट गोना स्टार्ट माई डे टुडे। आई ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफस्ट एंड अभी थोड़ी देर में आई एम जस्ट गोना फिल्म माई मेकअप बेसिक वीडियो। एंड जो मैं आज वीडियो करने वाली हूँ, आई थिंक आई विल बी डूइंग स्मोकी आई वीडियो। यू हैव टू गेट स्मोकी आई लाइक फ्रॉम बेसिक, फ्रॉम लाइक एकदम स्टार्टिंग से एंड स्टेप बाय स्टेप आई वांट टू टीच यू गाइस। एंड या सो वो मैं आई विल डू दैट। एंड या कल अगेन हैव टू गो टू संजना'स प्लेस। या तो थोड़ा लाइक काफ़ी कुछ चल रहा है, सो आई डोंट नो, मुझे आई गेट ओवरवेल्म्ड व्हेन लॉट्स ऑफ थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, बिकॉज मुझे अपने उधर चंडीगढ़ का भी सब कुछ देखना पड़ता है और कभी कई बार वहाँ पे भी काम निकल आते हैं, तो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक ओवरवेलमिंग, बिकॉज मेरे लिए ट्रैवल भी इतना करना फ्रीक्वेंटली थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट कई बार करना पड़ता है। आई डोंट नो, मे बी अब मई में शायद मुझे करना पड़े या फिर मुझे जून में काफ़ी करना पड़ेगा, लाइक इधर मई और जून कुछ मतलब मुझे करना तो पड़ेगा ही फॉर श्योर, इतना मुझे पता है। बट वैन आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली जून में मैं काफ़ी टाइम चंडीगढ़ रहने वाली हूँ। अगेन मेरे मम्मा का काम है, मोर ओवर या मम्मा का काम तो है क्या है और दूसरे काम भी हैं, सो या आई काइंड ऑफ लाइक गेट ओवरवेल्म, फिर मुझे एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है कि ओ माय गॉड ये भी है। आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल दैट, आई ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट दैट। अब मैंने ये आउटलुक रख लिया है कि भाई अब मैंने सोचना ही नहीं है जब तक वो चीज़ एकदम सिर पे नहीं आती तब तक, बिकॉज मैं बहुत पहले सोचने लग जाती हूँ एंड उसी वजह से आई थिंक आई गेट स्ट्रेस्ड, आई हैव एंग्जाइटी बिकॉज ऑफ दैट। सो आई थिंक मैंने अब इतना दूर का सोचना ही नहीं है, मैंने बस कल तक का सोचना है कि ओके कल क्या करना है, या थोड़ी सी एंग्जाइटी लेवल शायद उससे मेरा कम होगा। एनी वेज अभी मैं आई एम जस्ट गोना एडिट माई फ्राइडे एंड सैटरडे व्लॉग्स और उसके बाद आई एम जस्ट गोना स्टार्ट शूटिंग द वीडियो। अभी तक आई हैवेंट स्टार्टेड यूजिंग माई रिंग लाइट, थोड़ा सा उसके लिए मेरे को सेटअप वगैरह देखना पड़ेगा, तो देखती हूँ कैसे करना है कैसे नहीं। एंड या सो आज तो शायद मैं जो मेकअप बेसिक वीडियो है विदाउट रिंग लाइट ही शूट करूँ अपनी नेचुरल लाइट में, जैसे मैं करती हूँ शायद मैं उसी तरह यूज़ शूट करूँगी। Maybe from day after tomorrow I'll start my shooting with ring light, because मुझे एक ब्राइडल लुक करना है और ब्राइडल लुक में लाइक यू नो इतना हैवी आउटफिट डाल के आई हैव टू डू मेकअप, और सो वो मैं विदाउट AC नहीं कर पाऊँगी इतनी गर्मी में, और मेरा घर तो वैसे ही इतना भट्टी बन जाता है मैं क्या बताऊँ। सो आई थिंक तो मुझे डे आफ्टर टमोरो आई थिंक आई एम जस्ट गोना शूट माई ब्राइडल मेकअप लुक, एंड वो जो है वो शायद मैं अपनी रिंग लाइट्स के साथ ही करूँ। सो गाइज बहुत गर्मी है एंड आई जस्ट फिनिश्ड मेकिंग मेकअप बेसिक वीडियो फॉर यू कैन सी स्मोकी आईज, सो या सो ये भी थोड़ी सी लंबी होगी। एंड अभी मैं थोड़ा सा यू नो एसी में आई हूँ टू रिलैक्स अ लिटल, अभी तक मैंने अपनी रिंग लाइट यूज़ करनी स्टार्ट नहीं की है एंड आई विल स्टार्ट यूजिंग इट सून, बिकॉज मैं ज़्यादा देर जैसे जैसे मौसम वैसे भी अब गर्मी की तरफ बढ़ता जा रहा है, अभी मई आने वाला है, आज अभी भी अप्रैल है बट अभी एक कल से मई स्टार्ट है, सो मई जून जुलाई में आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू शूट इन दैट रूम, सो मुझे यहाँ पे सेटअप करना ही पड़ेगा। सो या द नेक्स्ट वीडियो आई थिंक आई एम जस्ट गोना शूट हियर, तो फेरी लाइट्स मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, यू कैन सी देयर, सो लेट मी जस्ट शो यू, दीज आर नॉट दीज फेरी लाइट्स आर नॉट द येलो वन, दीज आर द वाइट वन, सो लेट मी जस्ट शो यू। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको चेंज तो लगेगा, सी आई डोंट थिंक सो यू कैन सी बट या
these are the white ones. So yeah, जब भी आपको पीछे white fairy lights दिखेंगी तो आप समझ जाइएगा कि मैं ring light use करके ही video बना रही हूँ. So अभी थोड़ा सा पसीना सुखा के थोड़ा सा relax होके I'm just gonna go and shoot my euphoria box for the month of May, जो कि मुझे परसों आया था. या सो वो एक बार शूट करना है परसों. क्या एक दो दिन दो तीन दिन हो ही गए वैसे भी आए हुए को. सो या थोड़ा सा रिलैक्स करके आई शूट दैट. एंड या आई थिंक दो वीडियो बहुत हैं आज के लिए. कल आई हैव टू गो टू संजना स्पेस. आई डोंट नो या मैं कैसे मैनेज करूँ. वन ऑफ माई फॉलोअर्स मैसेज मी एंड सेड दैट यू नो that I have lot of potential as an individual YouTuber, why I am like you know wasting my time on another channel. jitna bhi main time wahan laga rahi hu at least agar wo main apne channel pe put on like karun to wo mere liye zyada better hai. but I don't know what's good and what's bad for my growth. I honestly don't know because main already like I'm already putting very regularly even though I'm going there and shooting for that stuff as well, but I'm putting videos very regularly. So isse zyada main kya karungi, like agar main wahan nahi gayi to main apne channel ke liye aur kitna kar sakti hu. I agree thoda sa kabhi kabhi aalas aata hai mujhe jaane mein, but it doesn't mean that I am neglecting my channel. I promise to you guys that मैं अपने channel पे को you know sideline नहीं करूँगी. मेरा channel always like my channel is always my first priority than anything else than any other channel. और वैसे भी वो channel पे अभी उस channel पे like we are still working on it. It's not giving me any monetary gain. जबकि मेरा channel is kind of giving me monetary gain. तो obviously I would love to work for my channel only अभी तो. बट अभी वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड दैट चैनल. और हो सकता है इन फ्यूचर वो भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जितना कि अपना अपना अभी इंडिविजुअल चैनल है सबके लिए. वी आर जस्ट गिविंग दैट चैनल अ लिटिल टाइम और फिर देखेंगे कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर अस. बिकॉज एक पॉइंट पे आके मुझे भी लगता है कि हम तीनों के लिए मुश्किल हो जाएगा टू वर्क टुगेदर बिकॉज वी थ्री बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज़. एंड मुझे नहीं पता इसका फ्यूचर क्या है चैनल का, बट दिव्या इज़ फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, संजना इज़ फ्रॉम जयपुर. आई डोंट नो जयपुर बट शी इज़ फ्रॉम राजस्थान. सो आई डोंट नो कि कितना फ्यूचर है इस चैनल का, बट जितना भी अभी हो पा रहा है वी आर डूइंग. एंड प्लस वी आर एक्चुअली काइंड ऑफ इन्जॉइंग ईच अदर्स कंपनी एज वेल. तो थोड़ा सा मोनोटोनस लाइफ से थोड़ा सा अलग हो जाता है तो वो थोड़ा सा है, बट it's just like another exposure for me. So मुझे नहीं पता मैं कितना कंटिन्यू कर पाऊँगी विद दैट चैनल. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. कल को इफ़ आई कंसीव और समथिंग मुझे पता है मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, बट वील फिगर आउट क्या होना है क्या करना है. सो वील फिगर आउट कि क्या करना है. सो अभी आई एम नॉट यू नो थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर राइट नाउ. आई एम जस्ट डूइंग वट एवर आई कैन वट एवर इज़ पॉसिबल राइट नाउ. सो आई एम डूइंग क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं उस चैनल को इतना टाइम नहीं दे पाऊँगी बिकॉज जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे अपने मम्मा का भी बहुत उधर ध्यान रखना पड़ता है. आई हैव टू लाइक गो देयर आफ्टर फ्यू मंथ्स और मुझे उनके काम करवाने पड़ते हैं. सो इस चैनल की अभी तक जो डिमांड है दैट इज़ लाइक आई हैव टू गिव टू डेज अ वीक. तो अभी फ़िलहाल के लिए तो वो पूरी हो रही है, बट आगे मैं कितना उसे दे पाऊँगी कितना नहीं दे पाऊँगी आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. सो या सो एनी वेज आई एम जस्ट गोना रिलैक्स अ बिट एंड देन आई विल शूट अनदर वीडियो एंड फिर देखते हैं क्या करना है. आई थिंक आई विल बी पुटिंग यूफोरिया बॉक्स अनबॉक्सिंग टुडे ओनली बिकॉज आई डोंट हैव एनी वीडियो फॉर टुडे. टुडे इज़ मंडे एंड ये जो स्मोकिया लुक है आई थिंक दिस विल गो अप ऑन वेंसडे. एंड अगेन डोंट हैव एनी वीडियो फॉर फ्राइडे. या इस वीक कॉन्टीन्यूस वीडियोज़ नहीं मिलेंगे बिकॉज मैंने थोड़ी सी अनबॉक्सिंग वीडियोज़ भी कम कर दी हैं. तो आई एम नॉट यू नो टेकिंग एनी न्यू अनबॉक्सिंग वीडियोज़ और न्यू बॉक्सेज फॉर अनबॉक्सिंग. सो या तो आपको रेगुलर वीडियोज़ शायद ना मिले. मेरा वही स्केड्यूल जो मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे है शायद आपको वही मिले. या सो वील सी कैसे कर वील सी कि हाउ इट वर्क्स बिकॉज मेरा आपने देखा था एकदम से पीक ग्रोथ ऐसे हुआ था, बट नाउ इट्स कमिंग डाउन अगेन. एंड
Harry said, maybe my, you know, I'm putting video very regularly and kai log irritate bhi ho jate hain baar baar notifications dekhke. So I shouldn't be that regular as well. So yeah, so isliye ab main fir se Monday, Wednesday and Friday ki hi koshish karungi ki meri videos aaye. Yeah, but I would like to give you quality stuff, not the quantity. So I'll work more on quality now. So just finished unboxing video, and I want to show you that आपको याद होंगी कि स्पैरोज होती हैं, है ना, जो कि अब इंडिया में बहुत कम दिखती हैं. But here at our home, स्पैरोज ने अपना एक नेस्ट बनाया है, like right outside the window. Yeah, that's the sparrow. Can you see the sparrow? I don't know whether you can see. Yeah, that's the sparrow. Yeah. So ये उनका नेस्ट है. पहले मुझे लगा that maybe ये pigeons का नेस्ट है, but it's so small कि इसमें pigeons fit नहीं हो सकते. Pigeons ने पहले भी बहुत हमारे घर में नेस्ट बनाया है, but this time they're sparrows, and I'm so glad that they're coming back. You know, they're coming back in India. I can see in the cities of India sparrows, जो कि दिखनी बंद हो गई थी. And now I'm just gonna remove my makeup, clean that room. I really really need to clean that room. मैं कल कर लेती अगर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं होती. कल तो मैंने ब्लॉग भी नहीं किया. कल मैंने काफ़ी हद तक डीप क्लीनिंग की थी, बट वो रूम फिर से रह गया. सो आई एम जस्ट गोना रिमूव द लैशेस फर्स्ट, या एंड उसके बाद फेस वॉश करूँगी. एंड एक बार रूम क्लीन हो जाएगा, देन आई स्टार्ट एडिटिंग माई फोबिया बॉक्स अनबॉक्सिंग वीडियो. अभी 5 बजे हैं, 5, तो आई होप मैं 7 बजे तक सब कुछ कर लूँगी, एडिट भी कर लूँगी, अपलोड भी कर लूँगी. बिकॉज अनबॉक्सिंग वीडियो भी यूफोरबिया बॉक्स जिसमें सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स थे, वो फटाफट से एडिट हो जाएगी. सो आई एम जस्ट गोना डू दैट. या सो गाइस, आई जस्ट फिनिश्ड एडिटिंग माय मेकअप बेसिक स्मोकी आई वीडियो. हैरी इज ऑलरेडी स्लीपिंग, एंड इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आई माइट, like we are going to Chandigarh this weekend, so I might stay next week in Chandigarh. Yes, I don't know, but I don't know, everybody needs me. I feel like this, everybody needs me. My mom, my in-laws, Harry. I honestly don't know how to manage everything, but I'm a little disappointed and sad because I really don't feel like, you know, leaving Harry every time for like few days. I just want to stay with Harry every time, like every time, but there are other responsibilities as well. This time my mom doesn't need me, she'll be needing me in June, but I'll be staying at my in-laws, yeah, most probably. Anyways, I was just gonna, today it's 11:30 already. कल सुबह जाना है संजना के घर. सो नेक्स्ट वीक जो भी वो शूट करेंगे, आई वुड बी पार्ट ऑफ इट. सो या एनीवेज, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग. बाय.